आज मैंने व्रत रखा है। हैप्पी बर्थडे डैड। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? मेरे साथ इस वक्त है मोनिका बेदी, जो निभाने जा रही है एक बहुत ही अनोखा किरदार सरस्वती चंद्र में। ये होता है कि ये इतना अनोखा किरदार छांटने की वजह क्या है? पहली वजह क्या है कि एक सरस्वती चंद्र की माँ का किरदार करने के? गुमान एक ऐसी लड़की है जो बेसिकली बहुत ही गरीबी देखी है उसने, वो डांसर रह चुकी है और वो किस तरह से इस सरस्वती चंद्र के फादर से शादी करती है पैसे के लिए, क्योंकि वो मल्टी मिलियनर आदमी है, उसको कैसे अपने जाल में फंसाती है। और वो क्योंकि वो अपनी गरीबी से और अपनी जो डांसर की एक जिंदगी, वो स्ट्रगलिंग जिंदगी वो जी रही है, वहां से निकल के इस आदमी से शादी कर लेती है जो अपनी उम्र के बहुत बड़ा आदमी है उसकी उम्र से। भंसाली जितना बड़ा एक प्रोडक्शन होता है, भंसाली प्रोडक्शन, उससे बड़े उसके सेट्स होते हैं, ह्यूज सेट, आर्ट डिजाइनिंग बहुत तगड़ी, बहुत बड़े लेवल पे होती है, बहुत बड़े फिल्में जो उनकी होती है वो कई काफी हम भी देखते हैं, आप भी देखा होगा कि एक ह्यूज सेट, ग्रैंड सा सेट होता है। शो में भी हम जब गए थे तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा कि काफी बड़ा सेट था। तो ये इस तरह के एक बड़े लेवल पे काम करना, ये कैसा रहा? ऑब्वियसली बहुत मजा आता है और मैं आपको बोलूं कि हम अभी भी नहीं समझ पाए कि हम फिल्म कर रहे हैं कि सीरियल कर रहे हैं, क्योंकि जब हम शूट कर रहे होते हैं वो इतना ग्रैंड होता है, उनकी जो मेकिंग है वो किसी भी फिल्म से कम नहीं है। मैं तो बोलती हूँ कि फिल्में भी जो बन रही है उससे ज्यादा ही है, तो हमें लग ही नहीं रहा है कि हम एक सीरियल कर रहे हैं। अब तक जो भी शूट किया, बड़ौदा में शूट हुआ था कुछ हिस्सा इसका, तो अब तक जो भी शूट किया किस तरह से रहा वो शूटिंग का टाइम आपका और कैसा रहा है अब तक? क्या क्या अब तक फाइनल क्या क्या देखने मिलेगा? मैं अलग अलग लोकेशंस में शूट किया है, दुबई भी गए हैं, भुज भी गए हैं, यहाँ सेट लगा है फिल्म सिटी में, इसके अलावा ऑल ओवर बॉम्बे काफी अच्छी लोकेशंस में शूट किया है। बहुत ग्रैंड एक सीरियल बन रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सभी, दिल जान लगा के इस सीरियल पे मेहनत कर रहे हैं। एंड जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है, जो हमारे प्रोमोस को रिस्पांस मिला है, इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हैप्पी होली बेटा। कितने तरह के शेड्स देखने को मिलेंगे आपके कैरेक्टर के सरस्वती चंद्र में? मैंने एक्चुअली ये रोल ही इसलिए एक्सेप्ट किया था कि ये वाकई में इसमें बहुत सारे स्कोप्स हैं। नेगेटिव तो है ही, और पहली बार मैं नेगेटिव एक रोल करने जा रही हूँ, तो वो भी एक मेरे लिए नई और चैलेंजिंग चीज होगी। ग्रे कैरेक्टर है जो इस कहानी को मतलब वो इस कपल को नहीं मिलने देना चाहता, और उसके पास अपने एक रीजन्स है, एक स्ट्रांग रीजन्स है कि वो ये औरत इन दोनों को क्यों नहीं मिलने देती है।